नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। बिहार में बहार हो फिर से नीतीश कुमार हो, 2015 में था, 2020 में भी ऐसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सुशासन बाबू का सुशासन का मुखौटा उतर चुका है। कोरोना का मसला हो, मजदूरों को वापस बुलाने का मसला हो, या बाढ़ का हो, हर जगह वो बैकफुट पे दिखे हैं। लिहाजा चिराग पासवान जो NDA के सहयोगी दल LJP के अध्यक्ष है, वो फ्रंट फुट पे आकर के खेल रहे हैं और नीतीश कुमार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान ऐसा BJP से ऑक्सीजन लेकर के कर रहे हैं? क्या BJP इस राजनीति के पीछे है? क्या वजह हो सकती है? तीन बड़े कारण है। क्या BJP बिहार में अकेले दम पे पैर जमाना चाहती है, या चिराग पासवान अपनी सीटें बढ़वाना चाहते हैं अपनी पार्टी का, क्या या और कोई वजह है? क्या नीतीश कुमार सरकार से चिराग पासवान समर्थन वापस ले सकते हैं? उनके दो विधायकों के समर्थन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ तो बात है जिसकी वजह से लल्लन सिंह जो है चिराग पासवान को कालिदास कह रहे हैं, तो जो अशरफ अंसारी हैं LJP के नेता, वो उनको सूरदास बता रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो नीतीश कुमार हैं वो काला चश्मा लगाते हैं, तो कहीं उनका इशारा उनके नीतीश कुमार की तरफ तो नहीं है कि लल्लन सिंह को सूरदास बता करके असली निशाना वो नीतीश कुमार पे साध रहे हैं कि बिहार में बाढ़ आई हुई है, कोरोना का संक्रमण है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चाले वहाँ पे बहुत चली जा रही है। इस बीच BJP ने देवेंद्र फडणवीस को वहाँ का प्रभारी बना दिया, चुनाव का प्रभारी। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? आखिर नीतीश कुमार ने क्यों नहीं राम मंदिर का जो न्यू पूजन हुआ उसका स्वागत किया, सबने किया, उन्होंने क्यों नहीं किया? क्या वो BJP से भी नाराज है कि उसके उकसावे पे ही बोल रहे हैं, या BJP चुप क्यों है? बहुत सारी बातें हो सकती है। तो देखिए, पहली बात समझ लेते हैं कि LJP का जो अस्तित्व है वहाँ पे ठीक है कि वहाँ पे कोई दलित पार्टी नहीं है, और जिस तरीके से UP में BSP मजबूत है, वहाँ पे LJP का उतनी मजबूती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चिराग पासवान अपनी जड़ें वहाँ पे जमाना चाहते हैं। वो 43 सीटें पे लड़ना चाहते हैं, और किसी भी सूरत में नीतीश कुमार उनको 30 से ज़्यादा सीट नहीं देना चाहते। इसी के मद्देनज़र दबाव बनाने के स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने राज्य कार्यकारिणी की बैठक की और उसके बाद दबाव बनाने की कोशिश की। इधर उधर से छुटभैया नेताओं से यह भी कहलवाया गया कि समर्थन वापस लिया जा सकता है, और जिसका कि बड़े नेता यानी चिराग पासवान ने खंडन कर दिया, उसका कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है। फिर क्या BJP क्या सोच रही है? क्या BJP की कोई राजनीति है? देखिए, निश्चित रूप से BJP सोच रही है कि UP में वो अपने दम पे आ गई सत्ता में, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां झारखंड में आ गई, लेकिन बिहार में वो अपने दम पे नहीं आ पा रही। इस समय जो है RJD कांग्रेस सब कमज़ोर पड़े हैं, गठबंधन में वहाँ कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है, तो उसे लग रहा है कि जितना नीतीश के इमेज को डेंट लगेगा उतना उसको फायदा होगा, एक तो सीटों की बार्गेनिंग में, और दूसरा उसके बाद सीटें जीतने में, क्योंकि उसका अपना मानना है कि उसका वोट बैंक इंटैक्ट है, जो भी होगा वो नीतीश कुमार को होगा। अब सिर्फ नीतीश कुमार को होगा या सबको होगा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं BJP की भी राजनीति इसके पीछे काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में समर्थन वापस लिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, समर्थन वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर लल्लन सिंह ने क्यों कहा इनको कालिदास, चिराग पासवान को, और उनकी पार्टी के नेता अशरफ अंसारी ने क्यों कहा उनको सूरदास, यानी कि सूरदास कह करके काला चश्मा लगाने वाले नीतीश कुमार पे उन्होंने निशाना साधा और चिराग पासवान को कालिदास बता डाला। कालिदास इसलिए बताया था क्योंकि चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया था जिसमें बिहार में कोरोना के लिए अधिक से अधिक टेस्टिंग की बात की गई थी, प्रधानमंत्री ने भी यही बात की थी। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री भी वही बात बोल रहे हैं, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ, तो मैं कालिदास कैसे बन गया? खैर, ये तो राजनीति है, लेकिन जिस तरीके से लल्लन सिंह चिराग पासवान पे वार कर रहे हैं, अशरफ अंसारी जो है उनको सूरदास बता रहे हैं, ये कोई अच्छे संकेत तो नहीं है। चिराग पासवान सफाई देते हैं कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो मैं किससे कहूंगा, उन्हीं से तो कहूंगा, तो ये आवाज उठाना कोई विरोध करना तो हुआ नहीं। जी नहीं, जब आप सत्ता के साथ होते हैं तो आप इस तरीके से आवाज नहीं उठाते, फिर मिल करके समस्याएं बताई जाती है। इसका मतलब कि आप दबाव बना रहे हैं, और दबाव बना रहे हैं BJP कहीं ना कहीं आपका साथ दे रही है। क्या BJP आपकी सीटें बढ़वा सकती है, या नीतीश कुमार जो है अड़ेंगे? नीतीश कुमार अड़ेंगे तो उनके पास क्या क्या विकल्प हो सकता है? क्या चिराग पासवान को वो डाउन करने के लिए फिर से जो है वो दूसरे दल के नेताओं की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं, जीतन राम मांझी की तरफ भी बढ़ा सकते हैं? देखिए, राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है ना अस्थाई दुश्मन होता है, लेकिन बिहार में बहार हो फिर से नीतीश कुमार हो के लिए वो भी अपनी तरफ से कोई चाल ऐसी चलेंगे जिससे कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान को डाउन कर सके। चलिए देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना।